मरकामो चौका घाट मार्ग से लौटा पुलिया बोलते हैं। ये चेक चेक की लग रही है, अभी देखा जाएगा। अभी पहले वारदात हुई थी तो पुलिस की टीम को सूचना थी, उसमें एस एच ओ फूलपुर टीम को लीड किए थे और दो बदमाशों का आमना सामना हुआ पुलिस टीम के साथ, और पुलिस टीम ने आत्मरक्षा फायर किया और फायर करने के उपरांत फिर जो है एक बदमाश है उसको गोली लगी, दूसरा बदमाश फरार हो गया मौके से। पुलिस ने मौके से कुछ राइफल, कुछ वेपन, सभी चीज़ें बरामद की हैं, मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये कौन है, क्या रनिंग कोई? देखिए, जो प्राइमा फेसी अभी शिनाख्त हो रही है वो एक महेंद्र पासी करके एक बदमाश है, उसकी प्राइमा फेसी अभी शिनाख्त हुई है। पुलिस अभी और भी चीज़ें पता कर रही है और जैसा कि पता पड़ा है 50,000 रुपये का इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के इनाम है, कुछ इनाम मध्य प्रदेश सीमी इसके ऊपर है। ये किसी डकैती गैंग का सरगना बताया जाता है। अभी कहिए कि किस का कोई उद्देश्य था यहाँ आने को? देखिए, जैसा कि इसके ऊपर पूर्व में भी कई लोगों के अपहरण के मुकदमे दर्ज हैं, सूचना इसी प्रकार की थी कि यहाँ पर आपके किसी व्यक्ति का अपहरण करने वाला है, और इसी सूचना पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। एक इंस्पेक्टर भी हमारा घायल हुआ है, उसमें उसके एंट्री एग्जिट हुए दोनों है, गंभीर रूप से घायल है। पुलिस उसका भी काफी उपचार और जो सभी चीजें होती है वो करवा रही है। सर, ये बताया जा रहा कोई फरार भी हुआ है बदमाश के साथ? एक बदमाश मौके से फरार है लेकिन उसका वेपन मौके पर छूट गया है। पुलिस ने वेपन को मौके वारदात से उसको सीज किया, आगे कर रही है। ये बीती रात ये जानकारी मिली थी कुछ बदमाश यहाँ डकैती डालने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इंस्पेक्टर राम को सूचना मिली थी जरिए मुखबिर, उस पर उन्होंने फोर्स इकट्ठा किया था लोग। रात में मैंने ऑलरेडी आदेश दे रखा था साथी बदमाशों की चेकिंग करने के लिए और गैंगस्टर बदमाशों के दबिश देने के लिए, तो लोग ऑलरेडी बाहर थे, लोगों को बुला लिया इन्होंने और घेराबंदी की। बदमाशों से क्रॉस फायरिंग हुई थी और उसमें क्रॉस फायरिंग में ये दो डकैत बता रहे हैं मारे गए हैं। ये इस पर इन डकैतों पर 50,000 की इनामिया डकैत थे, ये इनको शिनाख्त किया गया। इनके जेब से आधार कार्ड और कागज मिले थे तो उसमें ये चेक हुआ कि ये वही डकैत हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी वांटेड चल रहे थे। इस पर इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था पहले से, तो इसमें दो डकैत मारे गए थे, 3-4 लोग करीब बदमाश और थे जो भाग गए थे। ये डकैती डालने की इनकी योजना थी और अभी इसमें ये भी जानकारी मिली, मैं अभी अफ्ताह से ही आ रहा हूँ कि इसमें हमारे इंस्पेक्टर टिकैत नगर को बाह में गोली लगी, कंसर्ट इंजरी लगी है। एसएसआई कोतवाली जो रामनगर के उनको भी गोली लगी है और सिपाही को हल्की चोट आई है, सिपाही को भी चोट आई है। एक सिपाही रामनगर के कोतवाली के हैं, तो पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय दिया है लेकिन ये लोग भी घायल हैं। तो अब भी दोबारा मैं उनके जा रहा हूँ, शेष कार्रवाई पुलिस करेगी इसमें। कितने इनामी, कितने? 50,000 के इनामी बदमाश थे ये दोनों। इनके जो जेब से आधार कार्ड मिला है और आईडी एक और मिली है, उसे ये शिनाख्त हो पाया है। कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था? ये एक तो मुशीर है और एक इब्राहिम है, एक कान उन्नाव का है, एक कानपुर नगर का है। ये दोनों साथी बदमाश थे, डकैतियां यहाँ पहले भी डाले थे जिसमें काफी आपने मालूम होगा कि आस पास जब तो डकैती डाली गई थी उसमें बावरिया गैंग या चैमार जो बोलते हैं उस तरह के बदमाश थे ये, जिसमें अभी सीतापुर में डकैती पड़ी थी, हमारे डकैती पड़ी थी और उन्नाव में डकैती पड़ी थी, कई जनपदों में डकैती डाल रहे थे ये। तो साथी बदमाश थे, इनके दर्जनों इनके मुकदमे हैं इनके ऊपर और इसमें ऑलरेडी वांछित चले थे जिसमें इनको इनाम कराया गया था।